हमने संघ और राज्य के बारे में पढ़ा, अब हम इसको देख लेते हैं संघ और राज्य में संबंध क्या है, क्योंकि संघ राज की जो बदलती हुई प्रवृत्तियां हैं उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, संघ राज संबंधों में क्या चीजें हैं, और उसके बाद समितियों से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो केंद्र राज संबंध, इसको हम स्पेशली संघ राज संबंध कहते हैं, समझने के लिए केंद्रीय सरकार को समझ सकते हैं तो केंद्र राज संबंध कहते हैं। यूनियन स्टेट रिलेशन कहा जाता है, जनरली लोग लिखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो अनुच्छेद 245 से 263 में है, भाग 11 में है, केंद्र राज संबंध के बारे में, ठीक है। केंद्र राज जो संबंध होते हैं तीन स्तर पर होते हैं, एक होता है विधायी, ठीक है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध, संबंध प्रशासनिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। 263 तक तो पहुंच जाता है प्रशासनिक संबंध में, उसके बाद वित्तीय संबंध जो शुरू होता है वह 268 से शुरू होता है, ठीक है। कहने को तो नया भाग आ जाता है, लेकिन 268 से 300A तक जाता है, ठीक है। वित्तीय संबंध जो है 268 से 300A तक जाता है, और 300A में क्या प्रावधान किया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था वह किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा शामिल कर लिया गया, किसमें, 300 का में, जो आपका मौलिक अधिकार था अब हो गया आपका विधिक अधिकार, ठीक है। तो वित्तीय संबंध के आधार पर हम लोग पहुंचते हैं 300, लगभग अनुच्छेद 300 तक के पास पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। 266 और 267 में हम देखेंगे संचित निधि और आकस्मिकता निधि के बारे में प्रावधान किया गया है, उसको तो हम लोग देखेंगे ही। तो एक प्रकार से लगभग 300 अनुच्छेद तक हम पहुंचेंगे। वित्तीय संबंध के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, कारण उसका है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, सिर्फ संचित निधि और आकस्मिकता निधि के बारे में लिख लेंगे। विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लिखिए अनुच्छेद 245, केंद्र व राज्य का, हाँ, विधायी संबंध है। विधायी संबंध जो है 245 से 255 तक है, 245 से 255 तक, तो 255 तक ये है, तो 256 से 263 तक ये हो जाएगा, ठीक है। तो 245 लिखिए, केंद्र व राज्य का क्षेत्रीय विस्तार, केंद्र व राज्य का क्षेत्रीय विस्तार, केंद्र व राज्य का क्षेत्रीय विस्तार। और 246 में दिया हुआ है विषय वस्तु, अनुच्छेद 246 में विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब आपको मैंने बताया था कि सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची में कितने कितने विषय हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो विषय वस्तु के बारे में 246 में दिया हुआ है कि संघ, राज्य और समवर्ती, ठीक है, इन सूचियों में विषयों के बारे में लगभग ये बातें की गई। विषयों का तो पूरा डिटेल सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है, लेकिन विषय वस्तु क्या होगी इसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। और उसके बाद लिखिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, राष्ट्रीय हित के विषय पर, राष्ट्रीय हित के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, राष्ट्रीय हित के विषय पर कानून बनाने की शक्ति। 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई मुद्दा ऐसा है जिसपे संसद को लगता है कि वह राष्ट्रीय हित में है, मान लीजिए वह राज्य सूची में ही है, ठीक है। पहली बात यह है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को है, समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है, लेकिन अगर दोनों में विवाद होता है तो संघ सरकार है उसका मान्य होगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपातकाल है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बना सकती है संघ सरकार, ठीक है। और अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है ना, तो उसको कानून बनाने का कार्य संघ सरकार कर सकती है, अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा या पारित कर दे तो। तो ये सारी चीजें हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध मतलब कि कैसे कानून बनाने का अधिकार, उनका कितना क्षेत्राधिकार है, उनका कितना क्षेत्राधिकार है, आपको सूचियों के बारे में याद रखना है और 249 के याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में 256 से 263 है, इसमें से दो अनुच्छेद सिर्फ इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक संबंध में आप देखेंगे जो आपकी सिविल सेवाएं नहीं है, लोक सेवाएं हैं, लोक सेवाओं का बंटवारा कैसे किया गया है, कैसे वह राज्यों में काम कर रही हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में है, हमें डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ दो अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 262
अनुच्छेद 262 हाँ ये सब प्रशासनिक में है। अनुच्छेद 262 जल संबंधी विवाद, अनुच्छेद 262 जल संबंधी विवाद और अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 262 में जल संबंधी विवाद और 263 में अंतरराज्य परिषद, 263 में अंतरराज्य परिषद, ठीक है। जल संबंधी विवाद 262 में, अगर राज्यों के मध्य जल संबंधी विवाद होता है तो क्या प्रावधान किए गए हैं, 262 में किया गया है। अंतरराज्य परिषद की मतलब सभी राज्यों में कैसे एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए और संघ सरकार द्वारा भी, उसके बारे में 263 में अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। 1990 में लिखिए, 1990 में पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, 1990 में पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, 1990 में पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वित्तीय संबंध, आ जाते हैं वित्तीय संबंध में क्या क्या अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, लिखिए अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 266 संचित निधि, हाँ वित्तीय संबंध के अंतर्गत ही, वित्तीय संबंध तो शुरू हो जाता है 268 से, ठीक है। 266 में लिखेंगे संचित निधि, क्या हुआ इसको आप लोग 66 कहते हैं, उसको 66 कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र वालों ने हिंदी को सबसे ज्यादा तबाह किया हुआ है, ये लोग हिंदी इतनी गलत लिखते हैं, मैं देखता हूँ कि कुछ पूछे मत। जैसे हरियाणा में जैसे कोई सड़क है तो उसको सटक कहा जाता है, कहा जाता है ना, और यहाँ वाले सड़क कहते हैं, ठीक है। मतलब भारत में इतनी विविधता है, सड़क को वो लोग सटक कहते हैं, उत्तर प्रदेश वाले सड़क कहते हैं, जैसे सटक गई है सड़क गई है, और बिहार वाले सड़क गई है सड़क गई। मतलब एक ही चीज को कितना ज्यादा, और उसी को, वो तो बात ठीक है जो कहते हैं ठीक है, उसको लिखते गलत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, शब्दावलियों की खूब गलती करते हैं। तो 267 में लिखिए आकस्मिकता निधि, 66 हो गया था संचित निधि और 67 में आकस्मिकता निधि। संचित निधि का मतलब होता है जो सरकार का पूरा धन एकत्रित एक जगह पर है, ठीक है, उसके बारे में है, वह मतलब संसद की अनुमति से ही व्यय किया जाएगा। और 67 में आकस्मिकता निधि है, कभी अचानक से जब जरूरत पड़ती है और संसद से वह न पारित हो पाए तो राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे सकता है, वह आकस्मिकता निधि है। लिखिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है 280, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है संघीय सरकार द्वारा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में वही, जैसे हम लोगों ने अभी संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ा वैसे पेज में लेकर उसको देख लेंगे, ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेकिन केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां, जल्दी से इसको 5 मिनट पढ़ लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां या केंद्र राज्य संबंधों की बदलती प्रवृत्तियां, केंद्र राज्य संबंधों की बदलती प्रवृत्तियां, केंद्र राज्य संबंधों की बदलती प्रवृत्तियां, और 300 का तो आप जानते ही है ना कि संपत्ति का अधिकार वो है, केंद्र राज्य संबंधों की बदलती प्रवृत्तियां, ठीक है। आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं लिखना, ये व्यवहार में बता रहा हूं। दरअसल है क्या, क्वेश्चन जहां से आते हैं, बात यह है कि केंद्र और राज्य का संबंध हमेशा बदलता रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप शुरुआती चरण में देखें तो शुरुआत में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहता है, 67 तक लगभग क्षेत्रीय पार्टियों का उतना अभ्युदय नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां आना शुरू हो जाती हैं और 1967 में 9 राज्यों में कांग्रेस की हार हो जाती है, तो वहां पर क्षेत्रीय दलों का उद्भव होता है। तो धीरे धीरे देखेंगे कांग्रेस कमजोर होती है, क्षेत्रीय दलों का उद्भव होता है, और उससे होता क्या है कि केंद्र और राज्यों में शक्ति में बदलाव होता है, लोग क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों में और शक्तियों की मांग करते हैं, नहीं तो आप देखेंगे पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था है। ऐसे ही देखेंगे आप आगे बढ़ेंगे फिर साझा दलों की सरकारें आती हैं, मैं उसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। 90 के दशक में कितनी गठबंधन सरकारें होती है, 77 में इधर गठबंधन सरकार जनता पार्टी सरकार बन रही है, 90 के दशक में संयुक्त मोर्चा की सरकार, मतलब जब ये बन रहे हैं वीपी सिंह बन रहे हैं, चंद्रशेखर बन रहे हैं, ये लोग मतलब एक प्रकार से गठबंधन कर रहे हैं, उसके बाद नरसिम्हा राव के बाद फिर गठबंधन लगातार होते हैं, ठीक है। तो इन पूरी अवस्थाओं में आप देखते हैं क्या होता है कि हमेशा केंद्र और राज्यों के संबंध बदलते रहते हैं, और फिर विवाद किस बात पर होता है, विवाद जैसे राज्यपाल की शक्तियों पर, कभी कभी जो केंद्र सरकार है जबरदस्ती राज्यपाल शासन वहां पर थोप देती है राज्यों में,
ठीक है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको लेकर विवाद होता है कि इनके माध्यम से केंद्र सरकार जो है राज्यों में हस्तक्षेप कर रही है सिविल सेवाओं के माध्यम से। इन विवादों को देखते हुए लगातार समितियों का अध्ययन किया गया, कुछ राज्यों ने भी समितियों का गठन किया और केंद्र सरकार ने भी समितियों का गठन किया, उसको हम देख लेते हैं ठीक है। लिखिए 1969 राज मन्नार समिति, मतलब पहले वहां पर ऊपर लिखिए केंद्र राज्य संबंधों से गठित समिति प्रमितियां और नीचे लिखिए समितियां, समितियां सिर्फ लिखिए तो हम सिर्फ समितियां लिख लेंगे, बस क्या क्या प्रावधान किए गए उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ समितियां लिख लेते हैं जल्दी जल्दी ठीक है। 1969 राज मन्नार समिति, 1969 राज मन्नार समिति, 1969 में राज मन्नार समिति का गठन किया गया। राज मन्नार समिति पीवी राज मन्नार की अध्यक्षता में गठित हुई, वहां पर तमिलनाडु में द्रमुक की सरकार थी उसने गठित किया। और राजमन्नार समिति ने कहा कि सिविल सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और तमाम ऐसे प्रावधान किए क्योंकि उसको लगता था कि इससे भेदभाव होता है। 1973 में पीवी राजमन्नार क्या हुआ, हाँ हाँ राजमन्नार समिति उन्हीं के नाम पर 1973 में आता है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ठीक है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या होता है कि अकाली दल के लोग मांग करते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राज्यों को कैसे शक्तियां दी जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाना चाहिए ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र आता है, पश्चिम बंगाल की जो साम्यवादी मार्क्सवादी सरकार है उसके द्वारा आता है कि क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, जैसे उसमें होता है कि राष्ट्रपति शासन को इसमें भी होता है कि समाप्त किया जाना चाहिए और राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां दी जानी चाहिए, ये सब प्रावधान किए जाते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति की जानी चाहिए। देखेंगे आप जो पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र राजमन्नार समिति ये सब आ रही है, केंद्र को कमजोर करने की बात कर रहे हैं क्योंकि राज्य द्वारा गठित की जा रही है, बात को समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर क्या होता है, 1983 में आता है सरकारी आयोग, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, 1983 में सरकारी आयोग आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित, आप बताएंगे केंद्र राज्य संबंधों से गठित से संबंधित गठित समिति है कि इसने क्या किया, यह आती है 1983 में और 88 में पूरी तरह से इसकी रिपोर्ट आती है और इसने कहा कि राज्यपालों को राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद उसने अखिल भारतीय सेवाओं में और सेवाओं को शामिल करने की बात की ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं इसको संघ सरकार ने गठित किया, मतलब केंद्र की सरकार ने गठित किया था, ये बात नहीं करेगी कि राज्यों को मतलब केंद्र सरकार को कमजोर किया जाना चाहिए, जब केंद्र सरकार किसी समिति की नियुक्ति करेगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि वह संघ सरकार को कमजोर करने की बात करें। तो और उसने कहा कि राज्यपाल है उसको 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए, कोई असाधारण परिस्थिति आए तभी हटाया जाना चाहिए और राज्य का जो राज्यपाल है वह असाधारण व्यक्ति होना चाहिए ना, अपने क्षेत्र में काम किया हो, उसके बाद उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक आता है सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग, इसने भी कुछ सिफारिशें की संविधान समीक्षा आयोग के बाद फिर 2007 में उसने कहा कि मतलब राज्यपालों के लिए कुछ अर्हताएं होनी चाहिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 2007 में आता है पुंछी आयोग, पुंछी आयोग, एमएम पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया जाता है 2007 में पुंछी आयोग ठीक है। इसने भी लगभग वही कहा कि राज्यपालों की अर्हताएं होनी चाहिए, 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए ठीक है। और राज्यसभा के बारे में भी उसने कहा कि जो राज्यसभा में निर्वाचित होता है उस राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, आपको मेन याद रखना है कि ये सब जो समितियां हैं केंद्र राज्य संबंधों पर गठित समितियां हैं वो या उससे संबंधित समितियां हैं ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं लगभग आप पहुंच जाते हैं 300 अनुच्छेद 300 के पास ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे